खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और आपके साथ मैं हूं सुषमा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ। कश्मीर दिन भर में तो सबसे पहले बात कश्मीरी पंडितों की करेंगे कि उनकी घर वापसी को लेकर सरकार की कोशिशें जारी हैं और इसी कड़ी में कश्मीरी पंडितों को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उनकी घर वापसी होगी और फिर से वो कश्मीर के बाशिंदे बनेंगे। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उन्हें विस्थापित हुए करीब 30 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन सरकार के हालिया रुख से उन्हें लग रहा है कि आने वाले वक्त में उनके लिए अच्छी खबर आएगी। कश्मीरी पंडित जो करीब 30 साल से अपने घर से बेघर हैं, उनको अब उम्मीद जगी है। अनुच्छेद 370 जिस तरीके से हटाया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में शांति और अमन के लिए जो कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं, उसको लेकर कश्मीरी पंडितों का कहना है कि अब रुख ऐसा लग रहा है कि जल्द ही उनकी घर वापसी होगी। बहुत अच्छी बात हो रही है कि कश्मीरी पंडित की मातृभूमि कश्मीर है और हम जो कश्मीरत के कश्मीर हमारा है, कश्मीर कश्मीरियों का है, लेकिन हम इस चीज़ को इस नज़र से देखते हैं कि अगर हम वापस लेने की तैयारी गवर्नमेंट सरकार कर रही है उसका हम बिल्कुल शुक्रगुजार हैं। वहीं एक बड़ी कामयाबी डोडा पुलिस को मिली है। नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है डोडा पुलिस को। डोडा पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में मेहताब आलम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। मेहताब आलम के पास से पुलिस ने 40 ग्राम हेरोइन बरामद की है। वहां पे तलाशी के दौरान एक शख्स जिसका नाम मेहताब आलम है, वल्दे फारूक, ये रहने वाला बनाल का है, उसके पोजीशन से हमने कोई 40 ग्राम हीरोइन जब्त की है और जो कि ये डोडा के लिए था और इसके लिए हम लोगों ने अकॉर्डिंगली उसको गिरफ्तार किया गया है और एफआईआर भी लॉन्च किया है। एफआईआर नंबर 3 अंडर सेक्शन 8/21 और 22 में एनडीपीएस एक्ट में हम लोगों ने दर्ज किया है और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है और ये एक हमारी एक मुहिम है जो कि एक नार्कोटिक्स जो कि अभी ड्रग एडिक्शंस का यहाँ पे एक काफ़ी प्रचलित है यहाँ पे, लेकिन तहम काफ़ी कंट्रोल में भी हम लोगों ने किया। पिछले दिनों भी हम लोगों ने काफ़ी मिकदार में क्वांटिटी में हम लोगों ने ये पकड़ा है। वहीं गांधरबल में जिला प्रशासन की ओर से जांच अभियान चलाया गया और इस दौरान बाजारों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को जांचा गया। एडीसी के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में कई व्यापारियों पर 86,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया। इस पूरे मामले पर एडीसी फारूक अहमद ने बताया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर हम गंभीर हैं, जिसके चलते ही जाँच में फूड सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई की गई और उन पर जुर्माना लगाया गया है। आगे भी ऐसी जाँचें जारी रहेंगी। सोपोर में बर्फबारी और बारिश ने प्रशासनिक कार्यशैली की पोल खोल कर रख दी है। पानी की निकासी की बदहाली के चलते राफियाबाद के लोग खासे परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग को कई दफा इस समस्या से रूबरू करवाया गया, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। वहीं गांधरबल में गांधरबल क्रिकेट एसोसिएशन ने जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गांधरबल क्रिकेट एसोसिएशन का आरोप है कि जिले के एकमात्र माधुरी मेहरबान क्रिकेट स्टेडियम के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जिला प्रशासन की देखरेख में उसे फुटबॉल स्टेडियम में बदला जा रहा है, जिसके चलते क्रिकेट प्रेमियों में जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। गांधरबल क्रिकेट एसोसिएशन का कहना है कि हाल ही में स्टेडियम की बेहतरी के लिए J&K क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से बजट भी जारी हुआ था और ऐसे में क्रिकेट स्टेडियम को फुटबॉल ग्राउंड में तब्दील करना पैसों की बर्बादी है। इसलिए क्रिकेट एसोसिएशन अपील करता है कि माधुरी मेहरबान स्टेडियम को फिर से क्रिकेट स्टेडियम के तौर पर ही विकसित किया जाए। यहाँ पे क्रिकेट हम खेलते आ रहे हैं, आज तक हमारे सीनियर्स ने खेला है, हमने क्रिकेट खेला है, मैं खुद एक नेशनल क्रिकेट प्लेयर हूँ, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट भी हूँ मैं यहाँ पे। इस टाइम मैंने भी यहीं से क्रिकेट खेला है, हमारे छोटे लड़के जितने भी हैं वो भी यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने एक इनिशिएटिव यहाँ पे लिया था जो कि पहली बार डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में हमने यहाँ पे टर्फ विकेट बनाया था और यहाँ पे हमने प्रैक्टिस विकेट्स बनाए थे इसी वजह से कि हमारा जो टैलेंट है वो बाहर आ सके। लेकिन इस टाइम आप देखिए इस ग्राउंड की हालत क्या हो चुकी है हमारे, इस ग्राउंड की यहाँ पे ये जो लाइटिंग सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है, सुनने में ये भी आया है कि ये ग्राउंड फुटबॉल वालों के दे रहे हैं।
वहीं गुलमर्ग में स्कीइंग कोर्स का समापन हो गया। IISM की ओर से आयोजित स्कीइंग कोर्स के समापन कार्यक्रम में बारामूला के उपायुक्त ने शिरकत की। कार्यक्रम में IISM के प्रिंसिपल JS ढिल्लन ने बताया कि 15 दिन तक चले स्कीइंग कोर्स में देश के विभिन्न हिस्सों से खिलाड़ियों ने अपना कौशल दिखाया। कार्यक्रम का मकसद स्कीइंग को बढ़ावा देना था। वहीं उपायुक्त ने कहा कि स्कीइंग के जरिए पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है और आने वाले वक्त में भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे ताकि घाटी की खूबसूरती की झलक दुनिया के हर हिस्से तक पहुंचे। गुलमर्ग में हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड मॉनिटरिंग में 15 दिन से चले आ रहे स्कीइंग कोर्स का जो है कंक्लूडिंग सेशन अटेंड किया। इसमें एक अच्छी बात है कि मुल्क के डिफरेंट पार्ट से जो है बच्चे आए हुए थे। इसमें एडवांस कोर्स इन्होंने किया है, बेसिक कोर्स भी किया है और जो बच्चों में मैंने खुशी देखी है इस गेम के चलते हुए वो काफ़ी जो है मुतासिरकुन थी। तो वहीं पानी की लहरों को चीरते हुए क्याकिंग और कनोइंग के क्षेत्र में अपनी कामयाबी की दास्तां लिखने वाली बिल्किस मीर ने एक और उपलब्धि हासिल की है। बिल्किस मीर को ACC ने 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए अपनी टेक्निकल टीम का सदस्य नियुक्त किया है। आपको बता दें कि बिल्किस मीर जम्मू कश्मीर वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की कोच है। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलने के बाद खेलकूद जो है कहीं ना कहीं उसमें 6 महीने की कहीं ना कहीं कंपनसेशन जम्मू कश्मीर सरकार करने की कोशिश कर रही है कि 6 महीने में खेलकूद की सरगर्मियां नहीं हो पाई। लेकिन इसी बीच फर्स्ट इंडिया न्यूज़ आपको ये ब्रेकिंग खबर दे रहा है कि बिल्किस मीर जो वाटर स्पोर्ट्स की डायरेक्टर है जिन्होंने न सिर्फ नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर कंट्री को रिप्रेजेंट किया एक बड़ा तोहफा आज उन्हें मिला कि एक बार फिर ये एशियन गेम्स के लिए और जो सबसे प्रेस्टिजियस गेम्स होंगी उसमें न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क की नुमाइंदगी एक जज के तौर पर करें। बिल्किस बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट डे से बात करने के लिए। पहले शेयर करें इस मोमेंट को आप किस तरह से देखते हैं और क्या असाइनमेंट है। थैंक यू सो मच। ये एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे रियासत के लिए पूरे मुल्क के लिए। मुझे फिर से एक और मौका मिला एक बड़े टूर्नामेंट में एज अ जज कंट्री को रिप्रेजेंट करना। उसमें जो अभी क्वालिफाइंग राउंड जो टोक्यो के लिए होगा एशिया में वो पटाया थाईलैंड में होगा, ये पूरे रियासत के लिए खुशी की बात है कि मुझे एक बार फिर से सिलेक्ट किया इस प्रेस्टिजियस इवेंट के लिए। तो मुझे बताएं कि ये जो 4-5 महीने एक्टिविटीज़ कम हो पाएँ तो आपका क्या एक्टिविटी शेड्यूल रहा? डल झील वहाँ से निकलकर बाकी जगहों तक क्या एक्टिविटीज़ रही? हमारा 3 महीने थोड़ा डिस्टर्ब रहा हमारा प्रैक्टिस सेक्शन क्योंकि एक प्लेयर के लिए सुबह शाम ट्रेनिंग करना तभी वो अपने पीक को मेंटेन कर पाता है। बट हमने महेश्वर प्लस भोपाल में ट्रेनिंग ली। हमारे खुशी की बात यह है कि इस साल हमें कैनो सलालम में 3 मेडल हासिल हुए जम्मू कश्मीर में, जो एक खुशी की बात है कि हमारे बच्चे फिर से उन्होंने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं है। और जम्मू कश्मीर की बात अगर करेंगे वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से, वी पीपल हैव अ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, बहुत फ्लैट वाटर एंड वाइल्ड वाटर। फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स वी हैव 82 मेडल्स इन नेशनल लेवल। और अगर देखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर धीरे धीरे स्पोर्ट्स की तरह बढ़ रहा है और नेशनल मैप पे आ रहा है और ये जो असाइनमेंट मुझे मिला है तो मैं इसको बखूबी निभाऊंगी और ये साबित करके दिखाऊंगी कि जम्मू कश्मीर के बच्चे या लड़के हो लड़कियाँ है किसी से कम नहीं है और बड़ी खुशी की बात है इस प्रेस्टिजियस इवेंट में जाने। बिल्किस जी, जब भी आपसे बात हुई आपका 20 साल का करियर जिस तरह से वाटर स्पोर्ट्स के साथ लगा रहा, अभी कितना अंतर आप देख रहे हैं? क्योंकि साबिक CM महबूबा मुफ्ती के बाद कहीं ना कहीं आपका जो करियर है उसको गवर्नमेंट ने इंपैनल करने की कोशिश की। मुझे बताएं कि आज जहां पे हैं क्या आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है? अगर 97 की बात करेंगे और आज की बात करेंगे बहुत डिफरेंस है और वुमेन स्पोर्ट्स बहुत तेज़ी की तरह बढ़ रहा है और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है बहुत तेज़ी की तरह बन रहा है। मैं यहाँ जिक्र करूँगी कि PM पैकेज में हमें 2 वाटर स्पोर्ट्स सेंटर मिले, एक रणजीत सागर में हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं J&K स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, प्लस वाटर स्पोर्ट्स में यहाँ पर नेहरू पार्क में इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनने जा रहा है और मानसबल में खुद ही आप अंदाज़ा लगाओगे कि इंटरनेशनल लेवल वाटर स्पोर्ट्स सेंटर्स बनेंगे वो ना कि नेशनल। अब गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ ये नेशनल नहीं है बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रोड्यूस करना और मुझे लगता है विद इन 7-8 मंथ्स हमें वो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो हमने प्लानिंग की थी 3-4 सालों से वो कुछ ही महीनों में कंप्लीट हो जाएंगे वो प्रोजेक्ट्स और एक बड़ी चेंज हमें नज़र आएगी वाटर स्पोर्ट्स के हवाले।
بہت بہت شکریہ. بلقیس میر کا تعلق شہر سری نگر سے ہے اور واٹر سپورٹس میں گزشتہ 20 برسوں کا ان کا جو کریئر ہے وہ لگاتار جاری ہے. واٹر سپورٹس کی ڈائریکٹر اپوائنٹ کے بعد اب جو انہیں موقع ملا کہ ودیش کے کئی ممالک میں جا کر یہ اب واٹر سپورٹس میں بطور جج اور جوری ممبر کے طور پر نظر آئیں گی, جو کہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. ایک بڑا معاملہ ہے کہ بلقیس نے اکیلے اس کی شروعات کی اور جنگ لڑتے لڑتے ابھی جو ہے کہیں نہ کہیں منزل کی طرف روانہ. بلقیس نے جموں کشمیر کی ویمنز کے لیے اور خاص کر لڑکیوں کے لیے میسیج دیا کہ آپ آگے بڑھیں, بلقیس میر آپ کے ساتھ ساتھ ہیں اور آگے جو سرکاری جو جتنے بھی اپارچونیٹیز ہیں آپ کو ساتھ ساتھ اثاروں نہیں بلکہ آپ کو اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے میں مدد کر سکتے. عمران طارق کے ساتھ تجمل اسلام, فرسٹ انڈیا نیوز, جموں.